राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या आपके सितारे जो है, क्या आपकी कुंडली और आपका भाग्य और आपके सितारे ये कहते हैं कि आप करोड़पति इंसान बनेंगे? और हाँ, अगर बनेंगे तो क्या कहती है आपकी कुंडली, और जो है कुछ ऐसे टिप्स जिन लोगों की कुंडली नहीं है, और ऐसे टिप्स आज मैं आपको बताने जा रही हूं जिससे आपको मनी को जो है सेव करने में, मनी को अट्रैक्ट करने में, मनी को जो है आपको खींचने में, चुंबक की तरह खींचता हुआ पैसा जो है आपके पास चला आएगा। और वो क्या टिप्स है वो मैं आपको 4 से 5 टिप्स जो है इस प्रोग्राम के माध्यम से दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि मैं साक्षी ठाकुर यहां पर आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप जो है हमें YouTube पे देख रहे हैं, और जो है आप हमें YouTube पर, Facebook पर, Instagram पर और जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं सब पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये मैं नहीं बोलना चाहती, मेरा जो स्टाफ है वो बोलता है गुरुमा प्लीज बोल दिया करिए, प्लीज बोल दिया कीजिए। तो मैं जो है आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं तो बताना चाहती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको उपाय। जल्दी से मेरा मन करता है आपकी, आपको उपाय बता दूं, आपकी जिंदगी जो है वो बहुत ही बढ़िया जो है वो हो जाए। और ऐसे ही बहुत बढ़िया 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 उपाय जो है मैं लेकर आती हूँ ताकि आपकी लाइफ में जो है वो चेंज जो है आपको देखने को मिले। और सही में काफी लोगों की जिंदगियों में आ रहा है चमत्कार, और लोग जो है वो बता रहे हैं कि उनकी जिंदगी में चमत्कार जो है ये आ रहा है और उनकी लाइफ में जो है वो चेंजेस जो है वो हो रहे हैं। तो ऐसा क्या चेंज करना है आपकी लाइफ में? आपने कुछ नहीं चेंज करना है, आपने अपने पैसों को रखने का तरीका चेंज करना है, वो तरीका सीखना है। सबसे पहले तो जो है आपका जो पर्स होता है, आपका जो वॉलेट होता है, आपका जो बैग होता है, उसे सबसे पहले तो आप ऑर्गेनाइज रखिए, आप उसे ऑर्गेनाइज रखिए। और जो आपके पैसे होते हैं, हम अपना पर्स रखते हैं, जो आपके पैसे होते हैं उन पैसों को भी जो है आप ऑर्गेनाइज तरीके से जो है आपको रखने हैं। बड़े नोट पीछे, छोटे नोट आगे, इस प्रकार से आप ऑर्गेनाइज रखिए, उसको रबड़ से जो है वो करके रखिए, उसे बांध कर रखिए पैसों को। और जो है सभी सभी नोट्स जो है, ऐसा नहीं कि आपके बैग में कुछ 10 का इधर पड़ा है, 20 का इधर पड़ा है, 100 का उधर पड़ा है, 500 का इधर पड़ा है, 2000 का नोट ऐसे पड़ा हुआ है। और कई लोगों की तो मैंने देखी है कि कई लोग क्या करते हैं कि पैसों को इधर डाल लिया, उधर डाल लिया, जेबों में डाल लिया, भर लिया, कागज भी वहीं पर ही है, पैसे भी वहीं पर ही है। तो आप अपने पैसों को जो है ऑर्गेनाइज कीजिए। आपके जैसे अब छोटे छोटे नोट्स हैं, जैसे 10-10 के हैं, अब इसको 10-10 के नोट्स की अलग से आप एक गड्डी बना लीजिए, क्योंकि आप अगर मार्केट में जा रहे हैं तो आपको सभी प्रकार के नोट्स जो है वो चाहिए होते हैं। और अपने जो है जहां पर आप लोग नोट्स रख रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार के जो है और चीजें मत रखिए, और चीजें मत रखिए। जैसे मेरे कार्ड्स के फोल्डर्स हैं तो इसमें जो है ना और चीजें मत रखिए। हाँ, इसमें मेरी लिपस्टिक जो है उसमें आपको नजर आ जाएगी, लेकिन इसमें और चीजें, इसमें ज्यादा कुछ भरा हुआ मैंने नहीं है। तो आपको जो है अपने पैसों को ऑर्गेनाइज करके रखना है। और हाँ, एक और चीज, कई लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए सिमेट्री वे में आप रखिए। जैसे कि अगर यहाँ पर 500 रुपए का यहाँ पर यहीं पर है तो सारे ऐसे ही रखें, ऐसे नहीं कि ये वाला पोर्शन आगे आ गया, वो पीछे हो गया। तो बिल्कुल सिमेट्री रखिए पैसों को, सीक्वेंस वाइज जो है अगर आप रखते हैं तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा। और यहाँ पर एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पैसे तो देखिए हर कोई कमा लेता है, हर कोई कमा लेता है, कि जोड़ कितने लोग पाते हैं ये आपकी कुंडली बताती है। पैसों को मैंने बोला कि सीक्वेंस वाइज रखिए, और पैसों को अच्छी तरह से रखिए, और जो क्वाइंस होते हैं उसके लिए अलग से पाउच रखिए। और जो है अब देखिए, मैं जो है ज्वेलरी पहनती हूँ तो मैंने ज्वेलरी के लिए अलग से पाउच रख रखा है, इसमें मेरी हमेशा ज्वेलरी जो है वो रहती है। तो ज्वेलरी के लिए अलग से पाउच रखना है, अपने पैसों के लिए अलग से पाउच रखना है, और अपने पेपर्स जो है वो अलग रखने हैं, ये सारी चीजें हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए अगर आपकी कुंडली क्या बोलती है, क्या आपके पास पैसा रहेगा या आपके पास पैसा नहीं रहेगा। जब भी हमारा 11th हाउस जो हमारा मोटा पैसा आने का स्थान होता है, और उसका जो लॉर्ड होता है वो, अगर उसमें पड़ी हुई राशि जो है वो कभी भी शनि, राहु, केतु से पीड़ित हो जाए, तो आपके जो पैसा आने के रास्ते हैं वो बार बार, या उस राशि का स्वामी किसी शत्रु ग्रह के साथ में बैठ जाए, तो आपको अपने दुश्मनों से भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन वो दुश्मन आपको जब भी पैसा आएगा आपको बड़ा जद्दोजहद करनी पड़ेगी उस पैसे को लेने के लिए। और वो पैसा जो है आपके पास टिकेगा या नहीं टिकेगा वो बताएगा हमारा दूसरा घर, सेकेंड हाउस आपका बताएगा कि आपके पास वो पैसा टिकेगा या नहीं टिकेगा, क्योंकि वो सेकेंड हाउस जो है वो हमारा धन के जमा होने का घर है। और आपका नॉर्थ वेस्ट है, आपका सेकेंड हाउस आपके घर का नॉर्थ वेस्ट है, 11वां घर हमारे घर का वेस्ट है।
आपके घर का वेस्ट जितना खराब होगा आपका ग्यारहवा घर उतना ही खराब होगा। उस घर में बैठे हुए ग्रह को पकड़िए, ये एस्ट्रो वास्तु चीज है, एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रही हूं। उस घर में बैठे हुए ग्रह को पकड़िए और जो आपके सेकंड हाउस में ग्रह बैठा हुआ है उसकी राशि को पकड़िए, और अगर उसकी राशि का स्वामी सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर आपका बारहवें भाव में जाकर बैठ जाए जो कि खर्चे का घर है, तो फिर पैसा जुड़ नहीं पाएगा। पैसा जुड़ नहीं पाएगा आपके पास, पैसे के लिए आप हमेशा परेशान रहेंगे, पैसा आता है जुड़ता नहीं है, आता है जुड़ता नहीं है, यही चीजें जो है हमारे को जो है वो परेशान जो है वो करती रहेंगी कि पैसा तो बहुत आता है, आंधी की तरह आता है, तूफान की तरह चले जाता है। और एक और चीज, पैसे को जो है जिनकी भी कुंडलियों में चंद्रमा शनि के साथ होते हैं, राहु चंद्र होते हैं या चंद्र केतु होते हैं, उन लोगों को अपना पैसा जो है बड़ा संभाल रखना होता है, क्योंकि उनके पैसों पर जो है ना लोगों की नजरें होती हैं, उनके पैसों पर जो है ऐसी जो है नजर होती है राहु केतु और शनि उसके साथ में बैठने के साथ में चंद्रमा से, जो आपका फाइनेंस को बार 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 नुकसान, यानी कोई पैसा ले लेगा फिर वो आपको लुटाएगा नहीं, रो रो के, क्योंकि आप इमोशनल फूल्स हैं। चंद्रमा शनि के साथ, चंद्रमा केतु के साथ, चंद्रमा राहु के साथ में, ऐसे इंसानों को बेवकूफ बहुत जल्दी लोग बना देते हैं। तो आपको अपने पैसे को बड़ा संभाल के रखना है, जैसे अपने जूते कपड़े चपड़े सोने को संभाल के रखते हैं, तो ऐसे आपने अपने पैसे को भी संभाल रखना है, क्योंकि आपके साथ में धोखा होना निश्चित है। टॉपिक मेरा आज कुछ दूसरा है, लेकिन मैं आपको कुंडली से भी आपको समझा देती हूँ, क्योंकि जिन लोगों को कुंडली की नॉलेज होती है तो उनको जो है वो बड़ा मजा आता है, वो कहते हैं कि हाँ जी बढ़िया बताया आज गुरु माने। तो यहां पर जो है सातवां घर आपकी क्या है, डेली इनकम का है। सातवें घर में जो है आपके ग्रह जो है डिस्टर्ब हो जाए, यहाँ पर सेवंथ हाउस डिस्टर्ब हो जाए, तो भी हमारे पास जो है ना डेली 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 वाली इनकम जो होती है ना वो आनी बंद हो जाती है, यानी कि पैसा कभी तो आ जाएगा वो इकट्ठा आ जाएगा, डेली इनकम नहीं होगी। ये सब चीजें जो होती है ना, ये दुकानदार शॉपकीपर जिनके बिजनेसमैन है उनको डेली की इनकम बड़ी जरूरत होती है। अरे यार आज भी 1,00,000 रुपए आने चाहिए, आज भी 2,00,000 रुपए आने चाहिए, रोज रोज के पैसे आने चाहिए, तो उन लोगों के लिए जो है वो ये बड़ी जरूरत होती है। तो उन लोगों को अपने सेवंथ हाउस को अपना बहुत बढ़िया रखना चाहिए। सेवंथ हाउस में अब हमारी जो है ना क्या होता है कि सेवंथ हाउस को तो मैं बोल दूंगी बढ़िया रखना चाहिए, उसकी राशि को बढ़िया कर लोगे, उसके भाव के कारकों को बढ़िया कर लोगे, लेकिन अपने घर में बैठी हुई बीवी, आपके घर में बैठी हुई बीवी, उससे बार बार मुंह फुलाओगे, अपने पति से बार बार मुंह फुलाओगे, आपका ध्यान कहीं और बाहर रह रहा होगा, पति का ध्यान कहीं और बाहर रह रहा होगा, तो पैसा कहाँ आएगा। ऐसे लोग भी थोड़े टाइम तक ही मजे ले पाते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि गुरु माँ कि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो उनके करेक्टर्स भी खराब होते हैं, वो अपने उसका पति का अफेयर कहाँ चल रहा है, पत्नी का अफेयर कहाँ चल रहा है, और फिर क्या कहते हैं कि जो है वो बड़े मजे ले रहे हैं, बड़ा पैसा है उनके पास, आ जा रहा है आ जा रहा है, लेकिन उनके पास में क्या चीज उनके साथ में आएगी, वो कौन सी गंदी बीमारी, शुक्र की बीमारियां होती हैं, जो गंदी बीमारियां होती है वो कैसे आएंगी, वो भी उनको जो है लगती ही लगती है। और ऐसे लोगों के पास कब पैसा उनके हाथ से एकदम से निकल जाता है आप जो है सोच भी नहीं सकते। तो ग्यारहवां घर क्या था हमारा, वेस्ट की डायरेक्शन, तो वेस्ट की डायरेक्शन को अपनी साफ रखें। दूसरा घर क्या है हमारा, नॉर्थ वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट को अपने साफ रखें। और जो है ये अगर दो डायरेक्शन को अगर आप साफ रखते हैं तो आपके सेवंथ हाउस में अपने आप ही इनकम जनरेट जो है वो होनी शुरू हो जाती है। पैसे को मैंने बोला फोल्ड ना करें, पैसा किसी को देना है, सुन लीजिएगा। अब इसमें भी कुंडलियों में भी योग होते हैं, अब अगर दूसरे घर में चंद्रमा बैठ जाए, दूसरे घर में चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसे इंसान को बड़ा अपना बार 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 वो व्यक्ति क्या करेगा, बार बार अपनी पासबुक रिन्यू करवाता रहेगा। अब तो आजकल पासबुक नहीं है रिन्यू, तो बार बार अपने जो है आजकल ऐप आते हैं मोबाइल के, बार बार खोल खोल के बैठ जाएगा, मेरा कितने पैसे आए कितने पैसे गए कितने पैसे आए कितने पैसे गए, वो इसका हिसाब लगाता रहेगा। चौथे भाव का चंद्रमा होगा तो ऐसे इंसान का मन ही नहीं करेगा पैसा निकालने के लिए, कंजूस नंबर वन। और उनको ये नहीं पता कि उनके पास जो लक्ष्मी है उसको हवा नहीं लगवाएंगे, उसको पैसे को अगर आप हवा नहीं लगवाओगे, किसको अगर पैसे का आप आदान प्रदान नहीं करोगे, किसी को दोगे नहीं लोगे नहीं, तो आपके पास जो है ना पैसे आने के चांसेस जो है वो बंद हो जाएंगे, रास्ते आपके बंद हो जाएंगे, वो आपका पानी का जो दरिया है, यानी चौथा घर जो है हमारा समुद्र है, पैसों का समुद्र, और वो जो है ना समुद्र का पानी क्या होगा, फिर वो सड़ जाएगा, वो आपका जो आप जो नदी थी, नदी को आपने क्या किया, बांध बनाकर जो है ना दोनों टाइप रख लिया आपने उसको जो है ना, अब वो झोड़ कर लिया, झोड़ यानी तालाब बना लिया, अब तालाब का पानी जो है वो सड़ जाएगा, आपने उसको इकट्ठा कर लिया। पानी को बहने दो, अपने
जो है जिसके घर में, अगर मैं तो क्या करती हूँ कि जब मैं उपाय करवाती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ जिसके भी चौथे घर में चंद्रमा है ना, उसको सारे अकाउंट उसको हैंडल करने दो, उसके हाथ से जितना पैसा आप दिलवाते रहोगे उतना पैसा उसके पास और आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ऐसे हम उपाय करवाते हैं, ऐसे ऐसे हम परहेज करवाते हैं लोगों की कुंडलियों में। हर चीज उपाय नहीं होती, परहेज करने से भी हमारी कुंडली ठीक हो जाती है। अब सप्तम भाव में शुक्र बैठा है और आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, तो आपका शुक्र क्या करेगा, खराब हो जाएगा। फिर आप पैसे पैसे के लिए तरसोगे, आप उन्हीं औरतों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। सप्तम भाव में आपके शुक्र बैठा हुआ, उच्च का, सव राशि का, कोई भी राशि बैठा हुआ हो, और आप जो है वो औरतों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। औरत को देखते ही आपको गुस्सा आ जाता है, औरतों को देखते ही आपको गाली देने का मन कर जाता है, औरतों से आपकी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो फिर क्या शुक्र जो है वो फल देगा। अब आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि गुरु अगर औरतें ही हमसे लड़ाई करें तो हम क्या करें, तो यहाँ पर जो है ना आपको उस चीज को अवॉइड करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पैसा, देखिए मेरे हाथ में खुजली भी होने लग गई है, उल्टे हाथ में हो रही है खुजली, नहीं नहीं सीधे हाथ में हो रही है। तो सीधे हाथ में जब हमारी खुजली होती है तो पैसा जाता है, और उल्टे हाथ में खुजली होती है तो पैसा जो है ना हमेशा आता है। तो ये भी चीज होती है, जब उल्टी आंख फड़कती है ना लेडीज की तो पैसा आता है, और जब लेडीज की सीधी आंख फड़कती है तो पैसा जाता है। और यहाँ पर लेकिन जेंट्स साथ उल्टा हो जाता है, जेंट्स जो है उनके सीधी आंख फड़कती है तो पैसा जो है वो उनके पास आता है, और उल्टी आंख फड़कती है तो उनके पास से पैसा जाता है। तो देखिए मैं आपको कितनी आज अच्छी अच्छी जानकारी जो है वो आपको दे रही हूँ। प्रोग्राम को लाइक और शेयर और जो है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कैसे आपको जानकारी लगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आपको पैसा देना है, मंगलवार को आपको ना किसी को उधार नहीं देना, मंगलवार को बिल्कुल भी अपना पैसा उधार मत दीजिए। जैसे आप मंगलवार को उधार देंगे आपका पैसा वापस नहीं आएगा। दूसरी बात, आपको जो पैसा जो है ना आपका, आपको मैंने बताया कि कहते हैं कि आपने जो है सीधे हाथ से पैसा हमेशा देना है, सीधा मेरा ये है, सीधे हाथ से पैसा हमेशा देना है, और उल्टे हाथ से आपको पैसा हमेशा लेना है, उल्टे हाथ से पैसा आपको लेना है। आप किसी को पैसा दे रहे हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से, आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो पैसे को देते वक्त जो है ना, आई लव यू, आई लाइक यू, आई लव यू, आई लाइक यू, आई नो दैट यू विल कम टू मी एंड यू विल, आई विल हैव मल्टीप्लाई, यू विल, इट विल गेट मल्टीप्लाई। यानी कि आप अगर उसको, अगर आप किसी को देते हो पैसा और उसको बोलते हो, आप मन ही मन में बोलना है, ऐसे नहीं उसको आई लव यू पैसा देते, आई लव यू, ये चीजें नहीं करनी है आपको। अपने मन में सोचना है कि जो है ना ये पैसा मैं दे रही हूँ, सीधे हाथ से आपको देना है और उल्टे हाथ से लेना है, ये मैं पैसे दे रही हूँ अपने मन मन में, और मेरे पास की पैसा जो है ना मल्टीप्लाई होकर आएगा, आएगा, ठीक है, आने वाला या आ चुका है, मेरे पास ये पैसा मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। ये कंटिन्यूस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और अगर आप फ्यूचर में बोलेंगे तो मेरे पास ये आएगा। और देखिए जब जो चीजें, जो मैसेजेस आप अपने स्पेस पे देते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है मैसेजेस देते हैं, वही चीजें हमारी वाइब्रेट होती हैं और वही चीजें आपको जो है मल्टीप्लाई होकर वापस मिलती हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है। तो पैसे के लिए मैंने आपको बताया कि सेपरेट सेपरेट आपको पैसे, कागज और मनी को सेपरेट रखना है, आपको पैसे को फोल्ड नहीं करना है, पैसे के ऊपर कुछ लिखना नहीं है, और पैसे को जो है किस प्रकार से जनरेट करना है। आपको एक लास्ट बात, आपको पता होना चाहिए कि आपके पर्स में कितने पैसे हैं, आपको ये पता होना चाहिए, आपकी काउंटिंग आपके माइंड में होनी चाहिए कि मेरे पास आज जो है, मैं जो है 1,00,000 रुपए निकल लेकर आज जो है मैं आज निकल रहा हूँ, यानी कि मेरे बैग में जो है 50,000 रुपए है, मेरे बैग में 10,000 रुपए है, मेरे पर्स में इतने पैसे है। आपको जो है ये बात जो है आपके माइंड को जो है आपके पता होना चाहिए कि मेरे पास जो है आज कितने पैसे है। वैसे मेरा पर्स जो है ना बड़ा भरा हुआ रहता है हमेशा, और संजीव जी हमेशा मुझे कहते हैं कि साक्षी जी पैसे, पर्स को खाली करो, लेकिन मेरे पास बहुत सारी और बड़ी सारी चीजें होती हैं, तो भाई डायरी भी इसमें पर्स में होती है। तो क्या कहते हैं, मेरे पास, मेरे को पेंस की कलेक्शन करने का बड़ा शौक है, तो मेरे बड़े सुंदर सुंदर पेंस होते हैं इसके अंदर। तो जो मैं आपको बात समझाना चाहती हूँ, क्वाइंस को अलग कर लीजिए, पैसे को अलग कर लीजिए, और जो है पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए जो है आपको पैसों पे कभी नहीं लिखना चाहिए, पैसे को फोल्ड नहीं करके रखना चाहिए। और हाँ, एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गई, आपको हमेशा अपने वॉलेट में और अपने पर्स में और अपने पास हमेशा एक जो है करेंसी, देखिए मेरे पास कितने सारे पेंस हैं ये, और हाँ एक डॉलर, डॉलर और या तो फिर आप डॉलर रखिए या अपने पास कोई सी भी करेंसी जो है आपको हमेशा अपने पर्स में फॉरेन करेंसी जो है वो जरूर रखनी है, ये जरूर कीजिए। इससे बहुत बहुत भाई बेनिफिट जो है वो होता है, और बहुत बेनिफिट मैंने देखा है कि मैंने लोगों को फॉरेन करेंसी की पिक्चर्स जो है वो इतने बड़े बड़े फ्रेम में
वो भी मैंने जो है लोगों के नॉर्थ में जो है रखवाई है, उनको बहुत फायदा हुआ है। पूरे फ्रेम करवा के ब्लू कलर का पीछे बैकग्राउंड देकर उस पर फॉरन करेंसीज लगाई है। मैंने जहां जहां पर मैं गई वहां वहां की करेंसीज लाकर मैंने उसको चुपका दी और उसके बाद उसको फोटो फ्रेम करवा लिया। ब्लैक कलर का फ्रेम करना है, गोल्डन फ्रेम यहाँ नहीं चलेगा। नॉर्थ डायरेक्शन में आपको जो है इसको लगा लेना है और बहुत ही बढ़िया आपको जो है आपको रिजल्ट्स इसके आएंगे। और पैसे का हमेशा जो है ना तिरस्कार नहीं करना, पैसे का ऐसा नहीं पैसा तो मेरे हाथ की मैल है, ऐसे लोग भी मैंने बड़े देखे हैं और फिर वो मैल ही मैल इकट्ठी करते रहते हैं, पैसा उनके पास से एकदम छूट जाता है। माँ लक्ष्मी आपके पास तभी आएंगी जब आप अपने घर को साफ रखेंगे, अपने घर के साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को साफ रखेंगे। साउथ ईस्ट जो है वहां पर एक आप तांबे के दिए के अंदर, तांबे के दिए में, मिट्टी का दिया नहीं बोल रही मैं, तांबे के दिए के अंदर देसी घी डालकर आप वहां पर रख सकते हैं। तांबे की कटोरी के अंदर देसी घी डालकर वहां पर ज्योत प्रज्वलित जो है वो कर सकते हैं। तो दर्शकों ऐसे बहुत सारे उपाय लेकर मैं आपके सामने आती रहूंगी, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और हम लोग एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं, बेसिक कोर्स, इंटरमीडिएट कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स। बेसिक कोर्स, इंटरमीडिएट कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स, अगर आप लोग मुझसे सीखना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी तो आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जूम पे क्लासेस लेंगे और जब माहौल थोड़ा ठीक और हो जाएगा तो हम लोग आपका जो है यहाँ पर भी क्लासेस जो है आप लोगों की शुरू करेंगे। तो दर्शकों अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमें जो है नीचे दिए गए नंबर्स पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर्स चल रहे हैं उस पे आप जो है अपना एनरोलमेंट जो है वो करवा सकते हैं। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।